हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग एएमयू स्टूडियोज के एपिसोड। और जैसा कि आपने आज पढ़ लिया होगा किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बेसिकली ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है। जैसे कि बहुत ज्यादा जब आप चिल्ला लेते हैं, बहुत ज्यादा जब आपके पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट आती है, कोई ऐसा कंटेंट आता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा लाउड बोलना है, और लाउड जैसे ही आप बोलते हैं तो आपकी आवाज फट सी जाती है, आपकी आवाज बैलेंस नहीं रह जाती और आपकी आवाज बैठ जाती है। या कभी कभी जैसे कि आज सुबह मैं जब उठा तो मुझे थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रही थी, मेरे गले में थोड़ी सी दर्द सा हो रहा था। जब मेरा कोई गला थकता है या मेरी आवाज बैठती है या मैं बहुत ज्यादा हाई टोन का जब मैं स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाता हूं तो मैं एक काढ़ा टाइप का बनाता हूं। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सारे। सो वो क्या होते हैं, देखिए ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे जो हैं वो बेसिकली नेचर से रिलेटेड हैं, तो उसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, उसके बाद इस काढ़े को पीना। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स को मैंने यूज किया है जिसमें से जो मैं अभी आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले जो है वो अदरक है, फिर उसके बाद में लौंग है, फिर उसके बाद में इलायची मैंने इस्तेमाल की है इसमें, फिर काली मिर्च, फिर उसके बाद में बड़ी इलायची, फिर ये मैंने दालचीनी का इस्तेमाल इसमें किया हुआ है। तो ये जो इंग्रेडिएंट है बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग चोकर, और चोकर ये बेसिकली क्या होता है, ये गेहूं की भूसी होती है जो हम लोग घर में आटा जो छानते हैं उसके छानने के बाद जो उसमें से एक्स्ट्रा आटा जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं चोकर। तो ये वो है, आप लोग इजिली कहीं से भी निकाल सकते हैं इसमें, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है ये नमक है, और नमक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गले के लिए। और उसके बाद जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो हैं गुलाब के फूल की कुछ पत्तियाँ, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट ये जो इंग्रेडिएंट है इसको हम लोग बोलते हैं तुलसी, तुलसी के पत्ते। अभी जनवरी फरवरी के टाइम पे ये आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहे होंगे इजीली। और एक इंग्रेडिएंट का हमने इसमें इस्तेमाल किया है जो आपके गले के लिए काफी इफेक्टिव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शहद। और शहद जो है आपके गले की स्मूथनेस को बनाए रखेगा, और शहद आपके गले को गर्म भी रखेगा, जितने भी खराश हैं उसको खत्म करेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको एक ग्लास पानी इसमें डाल देना है, पानी को गर्म करने के लिए रख दीजिए, और पानी जब गर्म होने लगे तब तक आप अपने इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लीजिए। सबसे पहले अदरक को अच्छे से कूच लीजिए, इसके बाद आप इसमें डालिए बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, फिर उसके बाद में इलायची आप डाल दीजिए, फिर लौंग इसमें डाल दीजिए, और लौंग सब इसको मिक्स करने के बाद में इसको हल्के से कूच लीजिए, इसको क्रश कर दीजिए, फिर उसके बाद में इसमें मिलाइए अपना तुलसी की पत्तियां, फिर उसमें मिलाइए गुलाब की पत्तियां। गुलाब की पत्तियां जब आप मिला लीजिएगा तो इसके बाद भी इसको हल्के हाथ से आप थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा। फिर उसके जो भी आपने ये सारे मटेरियल जो आपने तैयार किए हैं, तो ये गर्म पानी जब आपका बॉयल होने लगे आपका पानी, तो बॉयल करने के लिए मतलब ये होता है कि जितने भी जर्म्स होते हैं पानी में वो सब खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद जब बॉयल आपका होने लगे पानी तो उसके बाद ये सारी इंग्रेडिएंट जो भी आपने डाली हैं ये गर्म करने के लिए डाल दीजिए। इसको उबालने के लिए और हल्के हल्के हाथ से इसको चलाइए, जब देखिएगा इसमें उबाल आने लगेगा तो इसमें चोकर जो मैंने आपको बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चोकर इसमें ज़रूर मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद में नमक आप मिला लीजिएगा अकॉर्डिंग टू, नमक तो बहरहाल मैंने ज़्यादा ले लिया था लेकिन इसमें से कम आप लीजिएगा, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप लीजिएगा, नमक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हल्के हाथ से हिलाते रहिए, इसको उबालते रहिए, और तकरीबन आपको 8 से 10 मिनट इसको उबालना है। मीडियम फ्लेम पे इसको लेके जाइएगा, आप मीडियम फ्लेम पे इसको पकाइएगा, बीच में थोड़ा थोड़ा आप चलाने भी लगिए इसको, ताकि इसके जो जो पत्तियां हैं सारे वो अलग अलग होने लगे और अपना फ्लेवर पूरा देने लगे, और ये आपके गले के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। उबालते रहिए, हल्के हाथ से चलाते रहिए, कभी धीमी आँच कर दीजिए, कभी तेज़ आँच कर दीजिए, और इसके बाद में जब ये हो जाए, तैयार हो जाए, फिर हल्के हाथ से आप देखिए कि ये सारे अलग अलग हो गई हैं कि नहीं, फिर उसके बाद में आप इसको छन्ने से छान लीजिए, ऐसा ही नहीं पी जाइएगा वरना आपके गले में और फिर नुकसान कर जाएगा। इसको छान लीजिए अच्छे से और इसके जूसेस को दबा लीजिए ताकि नीचे इसका पूरा जो अर्क है वो निकल आए, पूरे अच्छे से छान लीजिए इसको। एंड फिर उसके बाद में शहद एक टीस्पून आप इसमें मिला लीजिएगा ताकि आपके गले के लिए, और ये टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा कड़वापन था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये भाई बन गया आपका काढ़ा, और देखिए कि पूरा एक ग्लास था लेकिन मैं आधा ग्लास इसमें ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके जो काफ़ी उबाल लिया है इसको, और जो शहद है देखिए काफ़ी घुल रहा है इसमें, एंड फिर उसके बाद ये तैयार हो गया और बस। तो ये भैया मेरा काढ़ा जो है वो बनके तैयार हो चुका है, ये पूरा एक ग्लास पानी था, इसको इतना गर्म किया गया इतने इंग्रेडिएंट्स के साथ में
कि ये बस इतना सा रह गया जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और रिकॉर्डिंग करते वक्त आप लोग इसको पी सकते हैं, आप लोग गर्म पानी की जो बॉटल होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं, इसको आप ले जा सकते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे। सर्दी के टाइम पे पीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोगों की आदत होती है कि कभी कभी वो अपनी आवाज़ को साफ करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका गला और चोक होता है, इससे आपके गले में और खराश जो है वो ज़्यादा पैदा होती है। तो आप लोग प्लीज़ ये सारी हरकतें मत करिएगा और इस इंग्रेडिएंट को पीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। वैसे बनाना थोड़ा सा टफ है भाई, अपनी आवाज़ को अगर आपको सही रखना है तो ये सारी चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें शहद डाला है जो आपकी आवाज़ को स्मूथ रखता है, आपके गले को स्मूथ रखता है। और काफ़ी सारी चीज़ें, गुलाब की पत्ती मैंने इसलिए सुखा के इसलिए डाली थी क्योंकि उससे एक फ्लेवर आता है जो इतने सारे बहुत कड़वा हो जाता है, तो उसका फ्लेवर आने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे आइडिया दीजिए कि मैं और किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच।